क्या तू है मोहब्बत से दिल में समाई। कैसे कि अब चाहे सर फूटे या माथा, मैंने तेरी बाह पकड़ी। वाह बेटा, वाह, किसी का डर नहीं कि अब चाहे सर फूटे या माथा, मैंने तेरी बाह पकड़ ली। कि मैंने हंसकर हामी भर ली, तूने मुझ पे नियत धर ली। पकड़ ली बिल्कुल, और देखिए किस तरह पकड़ा। कैसे जिस समय ननिहाल से भरत जी वापस आए और जिस समय सारा हाल पता चला, उस समय भरतलाल जी पादुका लेने चले गए तो, और लेकर के जब लौटे, जिस समय अयोध्या लौटे, उस समय देखिए सबसे कहने क्या लगे, क्या क्या पादुका लेकर के भरत लाल आ गए। क्या बात है, पादुका लेकर के भरत
सभी से यही कहा क्या कि मन धरा मन धरा ढंगे कैसे कैसे हो गया कई के कई रंग ये तो समझते रहिए और ये परम सम्मानित चाचा श्री राजेंद्र यादव जी आप श्री कृष्ण सेवा समिति के अध्यक्ष हैं और लेखपाल जी भी हैं राधा कृष्ण सेवा समिति के अध्यक्ष हैं आप और आपकी ओर से ये पुष्पहार और 101 पद मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप आई हैं आप लेखपाल जी भी हैं मैं आपसे आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ क्या बात है कह कही बन गई क्यों कुमाता कह कही के कई रंग दे अगर भैया राम वनवासी हैं के भैया राम है जो वनवासी तो मैंने वन की राह पकड़ ली बात मैंने भी वन की राह पकड़ ली हाँ तो मैंने यही लाइन पकड़ी है क्या बात है के छाई चारों ओर उदासी मैंने इसकी थाह पकड़ ली कि मैंने इसकी थाह पकड़ ली और ये गुरु माता जी आपकी ओर से ये मैं इसको रुपया पैसा क्या कहूँ ये मेरे लिए आशीर्वाद है और मैं आपसे आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ की थाह पकड़ ली रानी की परवाह पकड़ ली के इसने सतत रानी की परवाह पकड़ ली रानी कहकर के पुकारा माँ नहीं कहा क्या बात है कि मैंने इसकी थाह पकड़ ली रानी की परवाह पकड़ ली इसने शासन और सत्ता की लिपसा पकड़ ली हो गया
गया ये कलंकित भाई। के हो गया ये कलंकित भाई, प्रीत की रीति है किसने निभाई। क्या बात है, वाह। मैंने इसकी थाह पकड़ ली, रानी की परवाह पकड़ ली, इसने शासन और सत्ता की निपसाद कर ली। के भैया राम है जो वनवासी, तो मैंने वन की राह पकड़ ली। भैया राम है जो वनवासी, तो मैंने वन की राह पकड़ ली। भैया एक बात और देखेगा कैसे भरत जी कहने लगे, भले ही और ये परम सम्मानी हमारे गुरु तुल्य दादा श्री लालचंद दीक्षित जी, आपकी ओर से ये सुंदर सा पुष्पहार और 101 पद मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप आई हैं, और 101 पद मुद्राएं आदरणीय सम्मानीय गुरु जी के लिए आई हैं, जिसने इस गीत की रचना की है। क्या बात है। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ दादा से। भरत जी कह रहे हैं भले ही जग में ऐसा हो जाए। हो गया ये कलंकित है भाई। जाने की चिंता तजदी, उर्मिला तक न पाई। उर्मिला हृदय भी नहीं मिला सकी अपने नाथ से। धन भ्रात लखन सुख राशि। क्या बात है, धन्य है वो लखन। वाह। के धन भ्रात लखन सुख राशि, जिसने प्रभु की बाह पकड़ी। क्या बात है। भरत जी ने कहा मैं नहीं था, लेकिन धन्य है लक्ष्मण। क्या बात है, जिसने प्रभु की बाह पकड़ ली। चलूंगा। के धन भ्रात लखन सुख राशि, जिसने प्रभु की बाह पकड़ी।
पूज्य गुरुवर मुहूर्त बताए और क्या हो क्या इनका आदेश लेकर स्वयं अब शत्रुघ्न राज सत्ता चलाए। क्या बात है, इनका आदेश लेकर के आज से शत्रुघ्न राज सत्ता चलाए। के मैं भी तपशील बन करूं, मैं भी तपसील बन धारु बल कल पसंद इस अवध में अवधि भर धरुना चले जब तक अवध नहीं पूरी हो जा रही है 14 वर्षों की तब तक कदम न रखूं। क्या बात है, इस अवध में अवधि भर धरो ना चरण कहा क्या मैं भी तपशील बन तापस वेश विशेष उदासी मैंने भरत जी ने कि तापस वेश विशेष उदासी मैंने भी यह चाह पकड़ लिया। भरत दाल कहने लगे क्या कि तापस वेश विशेष उदासी मैंने भी यह चाह पकड़ लिया के छाई चारों ओर उदासी मैंने इसकी धाह पकड़ ली और भैया राम है जो वनवासी तो मैंने वन की राह पकड़ ली। बोले आशीर्वाद स्वरूप हमारे सम्मानी बड़े भैया बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष भैया श्री देवेंद्र तिवारी उर्फ पप्पू भैया आपके करकमलों से ये 100 पद मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप भेंट हैं। आजीवन आशीर्वाद की कामना है और हमारे सभी साथी कलाकारों के लिए 100 पद मुद्राएं भेंट हैं। आजीवन आशीर्वाद की कामना है करूंगी और आज मैं जो कुछ भी हूँ पूजनीय हमारे दादा हरकृष्ण दादा जी की कृपा से और हमारे गुरुवर पंडित श्री लालचंद दीक्षित जी और हमारे सम्मानी बड़े भैया भैया श्री देवेंद्र तिवारी जी की कृपा से हूँ जो कुछ भी हूँ आज मैं
और मैं चाहूंगी आजीवन आपका स्नेह आशीर्वाद मिलता रहे। आइए सुंदर सा गीत आया है हमारी छोटी बहन ज्योति कमल जी के द्वारा। बहुत बढ़िया आया है बेटा। बहुत ही शीघ्रता में बहन जी ज्योति कमल जी आपके जवाब को पूरा करिए, स्वीकार करिए। क्या बात है कि तू है मुद्दत से दिल में समाई। जो भाभी है हमारी भाभी की बहन है भाभी हैं, आपके कर्तव्यों से ये माला और माल दोनों प्रदान है। आजीवन आशीर्वाद की कामना करूंगी। और आदरणीय हमारे भाभी और भी आ गई हैं सामने, छोटी छोटी बहनें भी आई हैं, सभी का हृदय से स्वागत करूंगी। हमारे सम्मानीय भैया लेखपाल जी भाई साहब की धर्म पत्नी आदरणीय हमारी भाभी जी विराजमान हो चुकी है। सम्मानीय भाभी जी सोमवती यादव जी आपके स्नेह जाएंगे, आशीर्वाद की कामना करेंगे। आइए सुनिए। अब चाहे मार उठे या बाबा मैंने तेरी मां पकड़ ली, मैंने हंसकर हामी भर दी, मैंने तुझ पर नियत कर दी, हाँ कर दी तो कर दी। अब चाहे मार वालों ने गाया है, सभी का आशीर्वाद लेते हुए आइए सुनेगा। सुंदर सवाल आया है बहन ज्योति कमल जी के द्वारा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कि मैंने राम की बाह पकड़ ली और जहां आपने कहा उस गीत को छोड़ा है बहन जी, वहीं से जवाब निकाल रही हूं। माता कह गई भरत लाल से कह रही हूँ,
महारानी रानी कहना आरंभ कर दिया। मैं तेरी माँ हूँ लेकिन तूने मुझे माँ कहना छोड़ दिया। क्या जब छोड़ दिया तो माँ कहने लगी, तू भरत जानता नहीं है आखिर मैंने क्यों किया, आखिर राम को वनवास क्यों दिया, उसके पीछे एक राज है। तो भैया सुने जाने को जाने कर पन मुझे जान से भी बढ़कर है। जान को जान कर बन पठाया राज बेटा ना तू जान पाया। नहीं जानता कि मैंने वनवास ले जाया। बहुत बढ़िया। नहीं माता वचनों को मैंने निभाया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। राम को मैंने वचन दिया था, जब राम ने मुझसे वचन दिए कि माँ तुम मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना, तो अब चाहे मुझे यश मिले अपयश मिले मैंने तो वही किया जो मेरे राम को भाया। बहुत अच्छा। नहीं माता बनी ये कुमाता दिए वचनों को मैंने निभाया, दिया वनवास है मेरे उर्वास है। शाबाश। मैंने राम को वनवास दिया लेकिन राम का वास मेरे हृदय में। तो कहना क्या कि दिया वनवास है क्या बात है। राम जी को याद आया।
माता जी। और ये विशेष आशीर्वाद, विशेष से भी विशेष आशीर्वाद, जिस आशीर्वाद को लेकर चल रहे हैं हमारे पूजनीय गुरुवर और गुरुवर के गुरुवर हमारी पूजनीय माता जी के कर कमलों से क्या क्या पत्र मुद्राएं मेरे लिए, मेरे भाई अशोक विश्वकर्मा के लिए और दोनों भाइयों के लिए दान है, आजीवन आशीर्वाद की कामना है। आइए सुने। तू है मेरे कुल का दीवार। क्या बात है आयरा कि तू है मेरे कुल का दीवार। धन में हो गई तुझको पाकर नहीं मिलती है। पलंग पर लेटे रहो और विद्वान बन जाओ, महासमान बन जाओ, क्योंकि जब 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 विद्वान बनना है, कुछ नाम कमाना है, संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कि बन के कोई के नहीं रखता अपनी पुत्रियों का नाम। शाबाश। तो कहना पड़ता क्या